मैंने अपनी बेसिक स्कूलिंग यही गवर्नमेंट स्कूल से पूरी की है और ग्रेजुएशन मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ से ही की है। उसके बाद मैंने CBSE प्रिपरेशन ग्रेजुएशन ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही स्टार्ट की थी और तब से एग्ज़ाम मेरे मैं दे रही हूँ, एग्ज़ाम क्लियर हो रहे हैं पर SSB इंटरव्यूज़ मेरे क्लियर नहीं हो रहे थे। तो इस बार मेरा एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ था और SSB इंटरव्यू भी क्लियर होने के बाद अब मैं मेरिटिंग हुई हूँ विद IR10। तो मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स इतने खुश हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ जो जो हमारा गांव है, यहाँ पे एक छोटा सा गांव है, यहाँ पे इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट्स को, एस्पायरेंट्स को पढ़ाई के रिलेटेड। इंटरनेट कनेक्टिविटी भी यहाँ इतनी अच्छी नहीं थी एक दो साल पहले, यहाँ नेटवर्क इश्यूज बहुत थे, लेकिन अब चीज़ें सुधर रही हैं, अच्छी हो रही हैं। आई वुड लाइक टू थैंक आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फॉर टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरी स्मॉल विलेज ऑफ द कंट्री। उनका बहुत बड़ा योगदान है हर बच्चे को प्रेरित करने में, उनकी जो डायनेमिक लीडरशिप है वो उसने हर एक को बड़ा इन्फ्लुएंस किया है। जैसे आज भारत का नाम वो हर जगह रोशन कर रहे हैं, तो हर बच्चा चाहता है कि हम भी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें, हम भी अपनी कंट्री के डेवलप में कुछ ना कुछ योगदान दें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ का हर बच्चा वो टैलेंट रखता है कि वो अपनी कंट्री के लिए योगदान दे सके और वो मेहनत करके आगे बढ़ेगा और देश का नाम ऊंचा करेगा। अभी एक दो साल हुआ है कि सीज फायर हुआ है यहाँ पे, पन्ना LOC है तो आप जानते हैं कि हर हर तीसरे दिन यहाँ गोलाबारी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इतने टाइम से आप गोलाबारी फेस करके यहाँ के स्टूडेंट्स ने स्ट्रगल करते हैं। और बाकी जो मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ है, रोड कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है कि आपको टाइम पे गाड़ियाँ मिले, आप सिटी तक पहुँच पाए अपनी एजुकेशन करने के लिए, लेकिन अब चीज़ें सुधर रही हैं, सीज फायर है तो, और बाकी रोड्स कनेक्टिविटी भी थोड़ी थोड़ी अच्छी होती जा रही हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी हमें मिली है। तो ये सब चीज़ें बड़ा मैटर करेंगी आगे बच्चों को आगे बढ़ने में। यही कहना चाहती हूँ कि सबसे जितने भी यंग एस्पायरेंट्स हैं यहाँ पे कि जो आपका ड्रीम है, जो आपके इंटरेस्ट हैं, उसके लिए मेहनत कीजिए, एफर्ट डालिए। और अगर मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सब क्लियर हो, लेकिन हार नहीं माननी होती। बात जो ये है कि परसिवरेंस की बहुत ज़रूरत होती है, तो आप अपना जो गोल है उसकी तरफ बढ़ते रहिए हमेशा, चाहे ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, फेलियर्स मिल रहे हैं, उससे हर फेलियर से आप लेसन लीजिए और आगे बढ़िए, ताकि जो आपने अपने गोल सेट किए हैं उसको आप पा सकें। हाँ जी, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि किसी भी गोल को देख के कि ये बहुत बड़ा है मेरे से नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में जो आप नहीं कर सकते। सिर्फ उसके लिए आपके एफर्ट्स चाहिए होते हैं, आपकी सिंसियरिटी चाहिए होती है कि आप खुद से सिंसियर रहें कि मुझे ये करना है, और हार्डवर्क की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें अगर आप हार्डवर्क एफर्ट्स और मिलाओगे तो राइट टाइम पर आपको राइट चीज़ मिल जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।